इस व्यवसाय से आदमी 10 से 20 लाख रुपया कमा सकता है एक साल में कमा सकता है वाली नहीं है जी। आप 10 साल में अगर मेहनत से काम करोगे तो 10 फार्मों के मालिक बन जाओगे। आप देख रहे हैं कृषि पिटारा और मैं हूं कुलदीप कुमार। मेरे साथ में एक किसान है जो बकरी पालन का व्यवसाय किए हैं, उनसे जानते हैं इनके पास कितनी बकरियां हैं और जो है ये बकरियां पाल करके जो है कितनी इनकम करते हैं साल में, और सारी जानकारी इनसे लेते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मेरे चैनल में भाई साहब जी, नमस्कार। थोड़ा बताएं दर्शकों को जो है कि आपके पास कितनी बकरियां हैं और आप जो है साल में कितनी इनकम करते हैं जी। मैं दर्शकों आपको बकरी पालन के व्यवसाय के बारे में जी बताना चाहूँगा जी कि भाई मारे बैठे हैं कि मेरे पास आए, थोड़ा बोले दर्शकों को बता दीजिए जी। इस समय लगभग मेरे पास 200 बकरियां हैं जी। उसके लिए आपको ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, आपको बस 5-6 बिस्वा जगह हो, उसके घेराव होना चाहिए, इसके बाद मतलब जो है एक घेरा होना चाहिए। सर्दियों की व्यवस्था खासकर उनकी अच्छी होनी चाहिए, सर्दी में बकरी जो होती है वो बहुत कमजोर पड़ जाती है, शीतलता होती है उसको, ज्यादा सर्दी लगती है, इसलिए उनकी सर्दियों की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस व्यवसाय से आदमी 10 से 20 लाख रुपया कमा सकता है एक साल में कमा सकता है। कैसे, थोड़ा दर्शकों को बताएं जो है कि कैसे कमा सकता है जो है ना ये। इसके लिए सरकार ने लोन भी देने की प्रक्रिया रखी है जी, जिसमें लगभग 60% सब्सिडी है, यानी छूट है, छूट है जी। 60% अगर आप जैसे आप 1 लाख लेते हैं तो आपको जो है 60% यानी 60,000 छूट मिल जाती है, 40,000 रुपया जमा करना पड़ेगा जी। ये आसानी से मिल जाता है जी, इसके लिए आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री की योजना है, उसमें आसानी से आपका लोन हो जाता है। आपके पास अगर धन नहीं है, जगह तो सबके पास होती है लगभग, लेकिन धन की अभाव रहता है, उसके लिए आप सरकार से अनुदान ले सकते हैं, अनुदान लेके आप उनकी व्यवस्था कर सकते हैं जी। इसके लिए आप करना ये होता है आपको कि ज्यादा नहीं, आपको शुरू में लगभग 20 बकरी लानी होती है जी, एक बड़ा बकरा लाना होता है, नस्लदार बकरी लाते आप, इसके बाद आपका व्यवसाय शुरू हो जाता है जी। इसके लिए चाहो तो अगर आप घर में फ्री हो जी तो आप खुद इस व्यवसाय को अकेले कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। बकरियां थोड़ा सा चारा खाती हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो खाते बहुत ज़्यादा चारा खाती हो, थोड़ा थोड़ा खाती हैं डाल दिया, इसके बाद आप देख रेख में वहीं बने रहेंगे जी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है अगर आप चाहो जी तो उसके लिए एक आप वर्कर भी रख सकते हो जी। हाँ, अगर व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हो तो वर्कर भी रख सकते हो जी। इसके बाद आप शुरुआत में जब 20 बकरियां लाओगे, अच्छी बकरी अच्छी नस्ल की बकरी लाओगे तो वो दो दो बच्चे देगी जी। तो 20 बकरी तो आपके पास पहले से थी, इसके बाद जब दो दो बच्चे उन बकरियों ने दिए तो 40 बच्चे हो गए एक साल में ग्रोथ। एक साल में जी, वो बकरियां 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार बच्चे देती हैं, तो आपकी जैसे 20 बकरियां हैं 40 बच्चे हो गए, उसमें कुछ बकरियां होंगी कुछ बकरे होंगे जी। इसके बाद आपको देखना उसमें ये है, जो ज़्यादा अच्छी नस्लदार बच्ची हैं उनको आपको रोक लेना है। इसके बाद जो तुम्हारी 20 बकरियां लाए तो उनमें जो तुम्हें कुछ वैसी समझ में आ रही उनको निकालना है जी। इसके बाद जो बकरे हैं अगर आप चाहो तो छोटे बच्चे में भी बेच सकते हो, बड़े हो जाओ कुछ बच्चे आप रोक सकते हो। इसके बाद जब 40 6 महीने में हो गई, इसके बाद 6 महीने बाद फिर वो बकरी बच्चा देगी जी, बिल्कुल, तब आपके पास 80 बकरियां हो जाएंगी, 80-20-100 हो जाएंगी ये। इसके बाद जो छोटी बकरी थी वो एक साल में वो भी ग्रोथ कर जाती है जी, छोटी बकरी वो भी एक साल में भाई साहब ग्रोथ कर जाती है जी। जब वो ग्रोथ कर जाएगी तो उसमें भी बकरियां वो बकरी बकरे देगी जी जी, तो इससे धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ता चला जाएगा। तो एक साल में लगभग जो है इनकम कितने अधिक से अधिक हो जाती है, थोड़ा दस को बताएं। ये मान लो अधिक से अधिक तो 20 लाख रुपया आदमी आसानी से कमा सकता है। अगर थोड़ी सी भी मेहनत करता है तो 20 लाख से भी ऊपर कमा। खिलाते, जैसे बकरी पालन है उसमें खिलाते क्या है, मेन इनका जो है जो चारा पानी होता है वो क्या खिलाते हैं इसको जो है। इसके लिए भूसा सानी भी लगा देते हैं हम लोग जी, भूसा सानी लगा दिया, चोकर डाल दिया, चूनी भी आती, चूनी भी मिला दी, इसके बाद हरा चारा खिलाते हैं जी। हाँ, कर्बी है, घास है,
इसके बाद जब कर्बी घास का टाइम खत्म हो जाता है भाई साहब, तब हम लोग उसको बरसीम बोते हैं, हरा चारा। हाँ, तो लगभग 2-3 बीघे बरसीम बो दी, तो उसी को काट के लाए, थोड़ा सा भूसा मिलाया और हरा चारा ज्यादा बरसीम मिला के। रोग इनमें थोड़ा रोग बताइए, रोग कौन कौन सा हो जाता है जो इफेक्टिव करता है जो है ना जो रोग इनको? बरसात, जैसी बरसात चल रही है इस समय, बरसात का टाइम है इस समय, इनको मुंह पका रोग होता है जी। मुंह में छाले पड़ जाएंगे, अगल बगल मुंह पक जाएगा, इसके बाद पोंखने लगेगा बकरा। जब मुंह पक जाएगा तो उसका डाइजेशन बिगड़ जाएगा जी जी। जब डाइजेशन, तो साधारण से जो है कोई दवा आती है इसको ठीक करने के लिए जो है, थोड़ा बताएं दर्शकों को। ये दवा साधारण मेडिकल स्टोरों में डॉक्टर की सलाह से ली जाती है। आप डॉक्टर से परामर्श, जब आप इतनी बकरी पालन व्यवसाय करोगे भाई साहब जी, किसी कोई भी करना चाहेगा बंदा, तो उसके लिए आपको डॉक्टर का परामर्श जरूरी है। हाँ। जी जी, इसके लिए सरकार आपको ट्रेनिंग भी देती है जी। अगर आप चाहो तो उसकी ट्रेनिंग करके इसके बाद व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, आसानी से ये व्यवसाय अच्छी ग्रोथ का है और ना कोई इसमें पढ़ाई की जरूरत है जी। आज के समय में अच्छे अच्छे बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे भाई जी जी। 10,000 की नौकरी, दूसरे की 12 घंटा की ड्यूटी करते हैं, तो रुपया 1,00,000 साल में बचा नहीं पाते हैं जी। ये व्यवसाय ऐसा है कि इसमें पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है जी। आपने हरा चारा काटने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। भूसा खिलाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है आपको, आपको खाली शारीरिक श्रम करना है। शारीरिक श्रम आप करते रहोगे लगातार, आपके पास धन की कमी होने वाली नहीं है जी। आप 10 साल में अगर मेहनत से काम करोगे तो 10 फार्मों के मालिक बन जाओगे जी। जी, बहुत बड़ी बात जो है, किसान है इन्होंने बताया कि जो है अगर आप लगातार निरंतर अगर आप जो है बकरियों का व्यवसाय कर रहे हैं जो है, तो आप जो है लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।